नमः शिवाय बच्चों, कैसे हो? चलो, आप सभी घर में अच्छे हो तो? पढ़ाई कर रहे हो? नहीं? चलो आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी में वर्णमाला। अब ये वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है जैसे स्वर वर्ण, अ आ ई बड़ी ई, उ बड़ी उ, री ए ऐ ओ औ अं, और व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ व भ म, य र ल व श श श ह श त्र ग। तो ये सब थे व्यंजन वर्ण। तो चलो आज हम हाँ वर्ण सीखेंगे। मैं जब बोलूंगी आप मेरे साथ दोहराओगे। अ से अनार, अ से अदरक, अनार अदरक। आ से आम, आ से आलू, आम आलू। ई से इमली, छोटी ई से इमली। इक तारा, इमली इक तारा। बड़ी ई से ईट, ईट ईट। छोटी ऊ से उल्लू। उपवन, उल्लू उपवन। बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊट, ऊ ऊट। री से ऋषि, री से ऋण। ऋण मतलब पैसे लेना या देने को ऋण कहते हैं। ए से एवी, ए से एक। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत। भगवान इंद्रदेव के हाथी को ऐरावत कहते हैं। ओ से ओखली, ओ से ओनम। केरला का एक फेस्टिवल या उत्सव का नाम ओनम है। औ से औषध, औ से औरत, औषध औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंडा। अभी हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क से केला, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खजूर, ग से गाजर, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घर। अंग से कोई भी शब्द नहीं होता है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है, इसे हम अनुस्वर कहते हैं। इससे शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल। च से चम्मच, च से चटाई, चम्मच चटाई। छ से छाता, छ से छत, छाता छत। ज से जाम, ज से जोकर, जाम जोकर। झ से झंडा, झ से झन्ना, झंडा झन्ना। य से भी कोई शब्द नहीं होता है, इसको हम आधा अनुस्वर बोलते हैं। इसको शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में जोड़ा जाता है, इससे शब्द होते हैं जैसे कि गाँव, जहाँ, चांद। ट से टमाटर, ट से ट्रक, टमाटर ट्रक। ठ से ठेला,
ठंड, ठ से ठठेरा, ठंड ठठेरा। ये बर्फ कैसी है? ठंड वाली, ठंडी वाली बर्फ है ना, वो ठंडी वाली बर्फ तो हम ठंड बोलते हैं, ठठेरा। ड से डॉक्टर, ड से डमरू, डॉक्टर डमरू। ढ से ढोल, ढ से ढक्कन। अना, अना से भी कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे कि बाण, गुण, प्रणाम। त से तरबूज, त से ताला, तरबूज ताला। थ से थर्मस, थ से थाली, थर्मस थाली। द से दिल, द से दर्जी, दिल दर्जी। ध से धन, ध से धनिया। न से नींबू, न से नल, नींबू नल। प से पानी, प से पर्दा, पानी पर्दा। फ से फल, फ से फली, फल फली। ब से बंदर, ब से बकरी, बंदर बकरी। भ से भूरा, भ से भालू, भूरा भालू। म से मोर, म से मकड़ी, मोर मकड़ी। य से यज्ञ, र से रंगोली, र से रबर, रंगोली रबर। ल से लड़की, ल से लड्डू, लड़की लड्डू। व से वन, व से वधु। श से शहतूत, श से शलगम। श से षटकोण, स से साबुन, स से सड़क। ह से हिरण, ह से हाथी। श से क्षत्रिय, श से क्षमा भी होता है, क्षमा का मतलब सॉरी। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। य से ज्ञानी। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सीखा। तो आप इसको आप सीखोगे घर में, प्रैक्टिस करोगे, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।